स्वागत है आप सभी का उदय क्लासेस में। आज के क्विज कंपटीशन में क्लास 9 के बच्चों के साथ क्विज कंपटीशन जारी है। चलिए बताएंगे हृदय पेशी किस प्रकार की पेशियां होती है। अनैच्छिक पेशी। हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? पेशीय ऊतक। कौन सा ऊतक जल और खनिज लवण का वहन करता है? जाइलम। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है? कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का संवहन करता है? फ्लोएम। लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है किस ऊतक में? लिग्निन नाम का जो रासायनिक पदार्थ है वो किस प्रकार के ऊतक में पाया जाता है? दृढ़ ऊतक। दो अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? स्नायु। रेनवियर नोड्स किस कोशिका में पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका। दो न्यूरोनों के डेंड्राइट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? सिनाप्स। मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है? एपिडर्मिस। नेक्स्ट बताएंगे बताएंगे कि दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की सुगंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? विसरण। नेक्स्ट, द्रव अवस्था में क्या निश्चित होता है? आयतन। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? गैस। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस। पदार्थ की किस अवस्था में अंतरात्मिक बल प्रबलतम होता है? ठोस। कणों की अधिकतम गति पदार्थ की किस अवस्था में होती है? गैस में। गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल कैसा होता है? अधिक। गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, अधिक नहीं होता है। ठीक है, कम होता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। मिलते हैं अगले राउंड में बाकी बच्चों के साथ।